मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुषा इव। अर्थात खुद धूप में रहकर दूसरों को छाया देने का काम करते हैं वृक्ष, अपना फल भी दूसरों को समर्पित करने वाले ये वृक्ष वास्तव में किसी संत के समान ही होते हैं, जिनका मूल उद्देश्य जीवन भर दूसरों का कल्याण ही होता है। वेदों में कही गई ये बातें आज के समय में और भी प्रासंगिक हो गई हैं। आज भारत समेत पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरों से जूझ रही है। इसके प्रति देशों को आगाह करने और जलवायु अनुकूल पद्धतियों को एक बार फिर से अपनाने की अपील के साथ ही इस साल का वार्षिक जलवायु सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक हो रहा है। ये 28वां सम्मेलन है, इसलिए इसे COP28 भी कहा जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य पिछली कॉप की उपलब्धियों को आगे ले जाना और भविष्य के महत्वाकांक्षी प्रयासों के लिए जमीन तैयार करना है। ऐसे वर्ष में जब बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच मौसम की चरम घटनाएं भी बढ़ रही हैं, अरबों लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की जरूरत है। COP28 का ये सम्मेलन कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी वजह ये है कि ये पेरिस समझौते और इसके तहत 2030 तक निर्धारित लक्ष्यों की कुल समयावधि का मध्य बिंदु है। इसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में हानि और क्षति कोष का संचालन, प्रथम ग्लोबल स्टॉक टेक को पूरा करना, जलवायु जवाबदेही को मजबूत बनाना, सभी जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से घटाने पर चर्चा, एक न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन को सक्षम बनाना, लचीली खाद्य प्रणालियों को विकसित करना, जलवायु वित्त और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को विस्तार देना शामिल है। पिछले साल मिस्र के शर्म अल शेख में हुए COP27 के सबसे महत्वपूर्ण नतीजों में से एक हानि और क्षति कोष की स्थापना था। इसमें जलवायु वित्त खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने पर एक नए सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य के लिए बुनियादी कार्यों को निर्धारित करने के अलावा ऊर्जा सुरक्षा और सामर्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था। सदस्य देशों से कोयला आधारित बिजली उत्पादन में धीरे धीरे लगातार घटाने और अकुशल जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को खत्म करने जैसे प्रयासों में तेजी लाने का अनुरोध किया गया था। COP28 के लिए भारत की प्राथमिकताओं की बात की जाए तो हानि व क्षति, जैसा कि पिछले साल
कॉप 27 में हानि और क्षति कोष यानी लॉस एंड डैमेज फंड की घोषणा हुई थी, उसका संचालन शुरू करना एक असली परीक्षा है। भारत इस बात को मुखरता से उठाता रहा है कि सभी विकासशील देशों को इस निधि का प्राप्तकर्ता बनाया जाए और विकसित देश अपने ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन की जिम्मेदारी और साम्यता के नियम के आधार पर इस कोष को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उठाए। ग्लोबल स्टॉक टेक उत्सर्जन को घटाने और भारत और दुनिया को लाभ पहुंचा सकने वाले सर्वोत्तम पद्धतियों को उपलब्ध कराने के लिए कार्बन मार्केट्स और सतत जीवन शैली की भूमिका को मान्यता दी जाए। साथ ही बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के साथ एक उचित और न्याय संगत परिवर्तन को संभव बनाया जाए, जो भारत और अन्य विकासशील देशों को अपने ऊर्जागत परिवर्तन को हासिल करने में मदद कर सके। जवाबदेही विकसित देशों को 2025 तक अनुमानित 3.7 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य कार्यान्वयन अंतर को दूर करना होगा। इसके अलावा उन्हें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड लक्ष्य को बरकरार रखने के लिए आवश्यक उत्सर्जन कटौती को भी वैश्विक औसत से ज्यादा करना होगा। साथ ही इस महत्वपूर्ण दशक में विकसित देशों की ओर से अपने उत्सर्जन में भारी कटौती करने की जरूरत है। इसके लिए विकसित देशों को अपने नेट जीरो लक्ष्यों के लिए प्रतिवर्ष उत्सर्जन कटौती का खाका तैयार करने और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए महत्वाकांक्षी कार्बन बजट बनाने की आवश्यकता है। जीवाश्म ईंधन कॉप 27 में भारत ने सभी जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की अपील की थी, जिसे काफी समर्थन मिला था। साथ ही भारत विकसित देशों से 2050 तक नेट नेगेटिव होने की भी अपील करता है, जिससे कि विकासशील देशों को अपने विकास के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की छूट मिल सके। जलवायु वित्त नई वित्तीय व्यवस्था के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक की जरूरत होगी, ताकि पद्धतियों प्राथमिकताओं में सुधार और फंडिंग को विस्तार देने के साथ विकासशील देशों में जलवायु फंडिंग को बढ़ाया जा सके। पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भारत ने हमेशा अपनी आवाज मुखरता से उठाया है। इसी कड़ी में बीते साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस की उपस्थिति में मिशन लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली का शुभारंभ किया था। कॉप 26 में प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार प्रस्तावित मिशन लाइफ को भारत के नेतृत्व वाले वैश्विक जन आंदोलन के रूप में देखा गया। इससे पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई की प्रेरणा मिलेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि मिशन लाइफ P3 मॉडल यानी प्रो प्लैनेट पीपल की भावना को बढ़ाता है। ये मॉडल लाइफस्टाइल ऑफ द प्लैनेट फॉर द प्लैनेट एंड बाय द प्लैनेट के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। मिशन लाइफ P3 की अवधारणा को मजबूत करेगा। P3 यानी प्रो प्लैनेट पीपल। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इस बात की चर्चा रहती है कि कौन किस देश या गुट के साथ है और कौन किस देश या गुट के खिलाफ है, लेकिन मिशन लाइफ
धरती के लोगों को प्रो प्लैनेट पीपल के तौर पर जोड़ता है, उनको अपने विचार से समाहित करता है, एक कर देता है। ये लाइफस्टाइल ऑफ द प्लैनेट, फॉर द प्लैनेट एंड बाय द प्लैनेट की मूल सिद्धांत पर चलता है। साथियों, अतीत से सीख कर ही हम बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। भारत में हजारों वर्षों से प्रकृति पूजा की समृद्ध परंपरा रही है। हमारे वेदों में भी बहुत सटीक तरीके से कहा है कि जल, जमीन, वायु और सभी प्रकृति प्रदत्त चीजों का महत्व समझाते हैं। जैसे अथर्ववेद कहता है, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी हमारी माता और हम उसके संतान हैं। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल और सर्कुलर इकोनॉमी हमारे वर्षों से हम भारतवासियों की लाइफ स्टाइल का अंग रहा है। और हम सभी जानते हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में, कई देशों में ऐसी प्रथाएं आज भी है, प्रचलित है, जो हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलने के लिए प्रेरित करती है। मिशन लाइफ प्रकृति के संरक्षण से जुड़ी हर इस लाइफ स्टाइल को समाहित करेगा जिसे हमारे पूर्वजों ने अपनाया था और जिसे हम अपने जीवन शैली का हिस्सा बना सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर यह भी कहा था कि मिशन लाइफ तभी सफल हो सकता है जब ये दुनिया के हर कोने तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि हम मिशन लाइफ का पालन कर एक बेहतर दुनिया का निर्माण जरूर कर पाएंगे। भारत अब दुनिया के साथ अपनी भागीदारी का और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रीड जैसे अभियान ऐसे ही लक्ष्यों की तरफ हमारे संकल्पों को मजबूत करते हैं। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके निर्माण का नेतृत्व करके भारत पर्यावरण सुरक्षा के प्रति अपनी अवधारणा से दुनिया को अवगत करा चुका है। मिशन लाइफ इसी कड़ी में एक अगला कदम है। जब भी भारत और संयुक्त राष्ट्र ने मिलकर काम किया है, दुनिया को बेहतर बनाने को नए रास्ते मिले हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का प्रस्ताव दिया था जिसे संयुक्त राष्ट्र को समर्थन दिया था और आज संयुक्त राष्ट्र के उस समर्थन के कारण दुनिया के करोड़ों लोगों के स्वस्थ जीवन की प्रेरणा का योग एक कारण बन गया है। वैसा ही एक उदाहरण इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट का है। भारत अपने पारंपरिक और पर्यावरण के अनुकूल मोटे अनाज से दुनिया को जोड़ना चाहता था। संयुक्त राष्ट्र ने इसका भी समर्थन किया। मिशन लाइफ को विश्व के हर कोने में, हर देश में, हर नागरिक तक पहुंचाने में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। हमें एक मंत्र को याद रखना है, प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करते हैं प्रकृति उनकी रक्षा करती है। मुझे विश्वास है इसी मिशन लाइफ पर चलते हुए एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर पाएंगे। मिशन लाइफ को 2022 से 2027 की अवधि में कम से कम 1 अरब भारतीयों और अन्य वैश्विक नागरिकों को पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। वर्ष 2028 तक भारत के भीतर सभी गांवों और शहरी स्थानीय निकायों का कम से कम 80% निकायों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य है। 21वीं सदी का भारत जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक बहुत स्पष्ट रोडमैप के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत ने पिछले 9 वर्षों के दौरान हरित और स्वच्छ ऊर्जा पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। सौर ऊर्जा
और एलईडी बल्बों के जरिए लोगों के पैसे बचाने के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा में भी योगदान दिया है। भारत ने मिशन हरित हाइड्रोजन कार्यक्रम शुरू किया और रासायनिक उर्वरकों से मिट्टी और पानी को बचाने के लिए प्राकृतिक खेती की दिशा में बड़े कदम उठाए। पिछले 9 वर्षों में भारत में आर्द्र भूमि और रामसर स्थलों की संख्या पहले की तुलना में लगभग 3 गुनी बढ़ गई है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया था कि दुनिया के हर देश को निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर विश्व जलवायु के संरक्षण के बारे में सोचना चाहिए। आज 21वीं सदी का भारत क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत स्पष्ट रोड मैप लेकर चल रहा है। भारत ने प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स और फ्यूचर विजन का एक बैलेंस बनाया है। हमने एक तरफ गरीब से गरीब को जरूरी मदद दी, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का भरसक प्रयास किया, तो दूसरी तरफ भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए बड़े कदम भी उठाए हैं। बीते 9 वर्षों के दौरान भारत ने ग्रीन और क्लीन एनर्जी पर अभूतपूर्व फोकस किया है। सोलर पावर हो, एलईडी बल्बों की ज्यादा से ज्यादा घरों में पहुंच बने, इन्होंने देश के लोगों के, हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के पैसे भी बचाए हैं और पर्यावरण की भी रक्षा की है। बिजली का बिल निरंतर कम हुआ है। भारत की लीडरशिप को दुनिया ने इस वैश्विक महामारी के दौरान भी देखा है। इसी ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान भारत ने मिशन ग्रीन हाइड्रोजन शुरू किया है। इसी ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान भारत ने मिट्टी और पानी को केमिकल फर्टिलाइजर से बचाने के लिए प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग की तरफ बड़े कदम उठाए। भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति में प्रकृति के साथ साथ प्रगति भी मौजूद है। भारत अपनी अवसंरचना में अभूतपूर्व निवेश कर रहा है तथा पर्यावरण पर भी समान रूप से ध्यान केंद्रित कर रहा है। जहां एक तरफ भारत ने गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा घर निर्मित किए हैं, वहीं भारत में वन्य जीव अभयारण्यों के साथ साथ वन्य जीवों की संख्या में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। जल सुरक्षा के लिए जल जीवन मिशन और 50,000 अमृत सरोवर का निर्माण भी किया जा रहा है। भारत आपदा सहनीय अवसंरचना गठबंधन और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसे संगठनों का भी आधार स्तंभ बन गया है। जलवायु संरक्षण की दिशा में एक और अहम कदम उठाते हुए भारत ने ग्लासगो में साल 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य की घोषणा की थी। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बीते साल COP27 को संबोधित करते हुए कहा था कि हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा अनुकूल अवसंरचना के लिए गठबंधन के माध्यम से मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं।
Developing countries need independence in their choice of energy mix and in achieving the SDGs. Developed countries taking the lead in climate action is therefore a very important aspect of the global just transition. सतत विकास और जलवायु परिवर्तन पर काबू पाना सुरक्षित भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। जलवायु परिवर्तनों से निपटने के लिए वनों की भी एक अहम भूमिका है। वन एक कार्बन सिंक प्रदान करते हैं जो हर साल लगभग 2.5 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन को अवशोषित करता है। हम सभी को ये महसूस करने की आवश्यकता है कि वन ही जलवायु परिवर्तन का एकमात्र समाधान है। हमारे वन केवल एक संसाधन मात्र नहीं है बल्कि देश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत को भी समाहित करते हैं। ऐसे में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र और जीवंत उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत अनुकरणीय नेतृत्व की दिशा में लगातार प्रयासरत है। मानवता के लिए सुरक्षित ग्रह की ओर हमारी यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसे कोई भी राष्ट्र अकेले नहीं कर सकता। ये एक सामूहिक यात्रा है जिसे समानता और जलवायु न्याय को अपने मार्गदर्शक सिद्धांत मानते हुए हमें प्रारंभ करना होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष दुनिया को एक परिवार के रूप में एकजुट करेगा और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का मंत्र वैश्विक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा।